नमस्कार, मैं आज बात करने वाला हूँ कद्दू के बीज खाओ, पम्पकिन सीड्स, और अपना सेक्स स्टेमिना बढ़ाओ। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो लोगों को स्पेशली सेक्स टॉनिक्स जो जिनको कहते हैं, जैसे सिल्डेनाफिल, टाडानाफिल, वर्दानाफिल, लवेनाफिल, ये जो टैबलेट्स है, इसके एलर्जी है, ये चलती नहीं है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, तो उनको नेचुरली आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ता है या घरेलू उपचार की तरफ जाना पड़ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ एकदम सिंपल, सादा और बहुत ही पावरफुल घरेलू उपचार, वो है कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स, उसके बारे में। ये पम्पकिन सीड जो होते हैं ना, कद्दू के बीज, इसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, जिंक, फिर मैंगनीज, फॉस्फोरस, आयन, पोटेशियम, इतना सारा रिच वो कद्दू के बीज में होता है। ये सब इतने रिच मिनरल्स इसमें होते हैं और विटामिन इसमें होते हैं। इसके कौन से 9 फायदे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत ही हेल्दी है कद्दू के बीज। आप 5 ग्राम्स कद्दू के बीज डेली खाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ही हेल्दी रहते हैं और प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस आपको कम हो जाएंगे। नंबर 2, स्पर्म्स मतलब शुक्राणु जो है, उनकी मोटिलिटी, उनका चलन वहन जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो तैरना चाहिए अच्छे वीर्य में, तो वो बढ़ाता है ये कद्दू के बीज। नंबर 3, कद्दू के बीज में जिंक अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, और जिंक जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन मतलब हमारा जो सेक्स हार्मोन है उसके लिए बहुत अच्छा है जिंक, तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ाता है जिससे हमारी इच्छा बढ़ जाती है, कठोरता आती है। कद्दू के बीज में फाइटोस्टेरोल भी ज़्यादा है, फाइटोस्टेरोल रहता है, फाइटोस्टेरोल जो है, जो एलिमेंट है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल ये भी बढ़ाता है और जिससे हमारी क्षमता बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है। नंबर 4, वीर्य की मात्रा जो है वो बढ़ती है कद्दू के बीज से, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो वीर्य की मात्रा बढ़ाने में, जो बोलते हैं कि हमारा वीर्य कम मात्रा में बाहर निकलता है, उन्होंने तो ये खास करके कद्दू के बीज लेना चाहिए कि भाई वीर्य कम पड़ता है। औरत कभी कभी बोलती है कि नहीं नहीं आपका वीर्य ही नहीं पड़ा, तो वो मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत काम का है। नंबर 5, शुक्राणु की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, जो प्रजोत्पादन के लिए, बच्चा होने के लिए आवश्यक है, जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से कद्दू के बीज में जो शुक्राणु की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा नंबर 6 का फायदा जो है वो नींद अच्छी आती है। क्या है कि कद्दू के बीज में ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन आपको अच्छी नींद देगा। नंबर 7, कद्दू के बीज आपकी शुगर लेवल कम करते हैं और इसका फायदा डायबिटीज़ में हो जाएगा। नंबर 8, आपका दिल जो है मजबूत होगा और दिल की बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा या दिल की बीमारी होंगी ही नहीं। नंबर 9, आपके जो बाल है, हेयर ग्रोथ, वो अच्छा हो जाएगा। अब ये सभी जो फायदे हैं, वो फायदे आपको पाना है तो आपने क्या करना है, रेगुलरली कद्दू के बीज आप ले सकते हैं, बहुत ही सस्ता और मस्त उपचार है। 1/2 कप मतलब 30 ग्राम्स कद्दू के बीज यदि आप लेते हैं सोने के पहले, पानी में उबालकर पानी पीते हैं और चबा लेते हैं सोने, ये कद्दू के बीज सभी फायदा होता है। प्रोस्टेट के लिए मैंने पहले बताया कि 5 ग्राम कद्दू के बीज आप डेली लेते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर से आप बच जाओगे, और कद्दू के बीज के कैप्सूल भी मिलते हैं, 1 से 2 कैप्सूल पर डे आप ले सकते हैं। तो ये एकदम घरेलू उपचार है, कद्दू के बीज आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप ला के रख सकते हैं घर में और ले सकते हैं। आपको ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी बढ़ना, ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहना, उसके लिए कद्दू के बीज फायदे के है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। आप अपना ख्याल रखो, परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य है। थैंक यू वेरी मच।